वैदिक ज्योतिष अनुसार शुक्र और बुध ग्रह लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियों को हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। नमस्कार, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये दुर्लभ योग पूरे 12 वर्षों बाद बनने जा रहा है और इसके साक्षी और गवाह हम और आप बनने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र मुताबिक ग्रह समय समय पर गोचर करके शुभ और राजयोग का निर्माण करते हैं। आपको बता दें कि मई की शुरुआत में लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। यह राजयोग शुक्र और बुध की युति से वृष राशि में बनेगा, जिससे कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। साथ ही इन लोगों को धन संपत्ति का लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं ये भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं। वृष राशि, आप लोगों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से लग्न भाव में बनने जा रहा है। इसीलिए इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, साथ ही करियर में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और आपके सामने कई शानदार अवसर आएंगे। आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। वहीं जो शादीशुदा लोग हैं, उनका वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। वहीं आपको कारोबार में इस बीच काफी अच्छा मुनाफा होगा और आप कुछ नई योजनाओं पर काम करने के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही इस समय आपको पार्टनरशिप के काम में अच्छा लाभ हो सकता है। कुंभ राशि, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने से कुंभ राशि के लोगों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं, क्योंकि यह बुध और शुक्र की युति आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बनने जा रही है। इसलिए इस समय आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। साथ ही आप कोई वाहन और प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। वहीं अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आपको किसी पद की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही नौकरी पेशा लोगों को जॉब में प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट मिलने के योग बन रहे हैं। इसके चलते आप करियर में शानदार तरक्की पाएंगे। वहीं इस समय आपके माता के साथ संबंध और मजबूत होंगे। मेष राशि, आप लोगों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से धन भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। साथ ही जो लोग विदेश से कारोबार करते हैं, उनके लिए सफलता के कई शानदार अवसर आएंगे। वहीं इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। साथ ही इस दौरान आपकी सोची हुई योजनाएं सफल होंगे। वहीं आप बिजनेस में भी नए आइडिया पर काम कर सकते हैं और आपको उसमें भाग्य का साथ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नहीं जानकारी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।